लाहौर हाई कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मोना सलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी थी। मोना सलाही ने पी पी 158 से कागजात नामजद की मुसरत होने के खिलाफ अपील की थी। बात करेंगे नुमाइंदा जनरल इबादुल हक से। इबादुल हक, इस हवाले से बताइएगा जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो है मोना सलाही की अपील जो है वो मंजूर कर ली है और रिटर्निंग ऑफिसर का वो फैसला कलजम करार दे रही है, जिसके तहत उनके कागजात नामजदगी ज़मीनी इंतखाबात के लिए मुस्तरद किए गए थे। अदालत ने इसके इस अहकाम के बाद मोना सलाही अब अहल करार दिए गए हैं, वो अब ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले जब रिटर्निंग ऑफिसर जो खातून थी वो ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुई तो अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि उन्हें कितना अर्सा हुआ है, जिस पर खातून जो रिटर्निंग ऑफिसर थी उन्होंने कहा वो 3 वर्ष से पब्लिक सर्विस में है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को बावर करवाया कि एक नई खातून पर इतना बोझ क्यों डाल दिया गया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि खातून और रिटर्निंग ऑफिसर आप सिर्फ वो करें जो कानून आपको इजाजत देता है। जी बहुत शुक्रिया आपका इबादुल हक।